गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज हम गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन करेंगे, और सेकंड एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल और होलोस्फेयर। एक होलोस्फेयर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसकी वजह से आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कहाँ पे निकालेंगे? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर स्फेयर, होलोस्फेयर, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसका मतलब है सब जगह जो चार्ज है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, किस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो? यही तो क्वेश्चन है। तो विच आर द पॉइंट्स वे यू कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो, मैं यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ भी निकाल सकता हूँ। इसका मतलब है आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड। आउटसाइड द स्फेरिकल होलोस्फेयर, जहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज है, उसकी सरफेस में और उसके अंदर आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम वो निकाल सकते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं इसमें, वो हम आउटसाइड ही ले लेते हैं। यानी कि आउटसाइड द होलो स्फेयर यूनिफॉर्मली चार्ज जो है, उसके बाहर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? अच्छा, मुझे अगर इसके बाहर मान लो इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? हाउ आई विल बी डूइंग दैट? सबसे पहले सपोज मुझे देखना पड़ेगा मैं कहाँ पे निकालना चाहता हूँ। मैं सपोज इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ, पी पॉइंट पे, जो यहाँ सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक हो गया? तो मैं क्या करूँगा, मुझे गॉसियन सरफेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गॉसेस लॉ लगा रहे हैं तो बिना गॉसियन सरफेस के तो होगा नहीं। तो कैसी गॉसियन सरफेस आप बनाएंगे? स्फेयर है, स्फेयर के बाहर अगर आप दूसरा स्फेयर बनाएंगे तो चार्ज से जो डिस्टेंस होगी वो इक्वी डिस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब है हमें एक स्फेरिकल सरफेस और बनानी पड़ेगी। तो इसके बाहर हमने एक स्फेरिकल सरफेस और बना दी। ये बन गया। नाउ अब किसी भी पॉइंट पे, पी पॉइंट हो या इस पॉइंट, इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट हो, सब यहां से कितने डिस्टेंस पे होंगे? पी पॉइंट पे। सपोज मैंने किसी भी पॉइंट पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर ले लिया, सपोज यहां पे मैंने ds वेक्टर ले लिया, तो मुझे बताओ उस ds वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी? ds ये है तो ds वेक्टर यहां को होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो कैसी होती है, हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रहती है। आप एक बॉल ले लें, बॉल में ऊपर छोटा सा स्क्वायर बना लें, अब उसके परपेंडिकुलर निकालोगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। क्लियर? इसके अलावा अगर मैं कहूँ यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, तो वो कैसे आएंगी? एक बॉल है, मान लो उसमें अंदर पानी का सोर्स है सेंटर पे, अब किसी भी पॉइंट पे आप होल करोगे तो पानी कैसे निकलेगा बाहर? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। जो पानी की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की भी डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी है? ऐसी, यहाँ से जा रहा है बाहर को, और ये क्या है? डी एस वैक्टर है। तो इसका मतलब ds वेक्टर और e वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम है। अब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। यस, इन मैक्सिमम केसेस जहां पे भी आपका आंसर आ रहा होगा, वहां पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां पे ds वेक्टर वो भी इधर को है। ds वेक्टर में हम एक रेड पेन से एरो लगा लेते हैं, ये ds वेक्टर के लिए है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी बाहर को है, तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अब बहुत आसान है, सबसे पहले हमें क्या करना है? गॉसेस लॉ लगाना है। और गॉसेस लॉ क्या कहता है? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही हमने कहा था। अच्छा, इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई और डी एस के बीच में कितना एंगल? 0 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट ई डी एस कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 की वैल्यू कितनी? 1, तो वो तो आप हटा दीजिए, तो e इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds करा है, कौन सी सरफेस का इंटीग्रेशन करा है? जिसमें आपने ds लिया, और ds कौन सा वाला था? गॉसियन सरफेस का। सपोज इसका रेडियस r है और इसका रेडियस भी r है, यानी कि ये जो स्फेयर हमने बनाया था, इसको गॉसियन सरफेस के रेडियस को आप कैपिटल आर मान लो और इसको आप स्मॉल आर मान लो। तो स्मॉल आर कौन सा है? स्मॉल आर है स्फेरिकल सेल जो आपका यूनिफॉर्मली चार्ज था,
और गॉसन सरफेस का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, कैसे भी मान लो, किसी को भी कोई भी आर मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डीएस जो इंटीग्रेशन हो रहा है, हम कौन सी सरफेस को ऐड अप कर रहे हैं, बाहर वाले को यानी कि गॉसन सरफेस को, तो उसी का तो एरिया आएगा। तो कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, कौन सा आर, कैपिटल आर, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। यही होगा, 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है ना। ठीक, हो गया। अब देखो, आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस पे जब चार्ज हो तो उसे सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू चार्ज अगर बॉल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है और बॉल का एरिया ए है, तो सिग्मा से डिनोट करते हैं क्यू अपॉन ए, क्योंकि क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। यही होगा ना, होगा नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा, एरिया, ये किसका एरिया हम ले रहे हैं जिसमें आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो तो आपका इनर वाला स्क्वायर है, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका रेडियस है स्मॉल r, तो वो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 पे रख दो, देयर फॉर इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही बनेगा, वेरी गुड। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, E इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपका आया आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अभी किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो सिग्मा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, कांस्टेंट होगा, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होगा, आर तो इसका रेडियस है स्फेयर का जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी कांस्टेंट होगा, कैपिटल आर वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, अगर ये यहाँ पे होता तो कैपिटल आर कम होता, यहाँ होता तो कैपिटल आर ज्यादा होता, तो अगर आर बढ़ रहा है तो आर स्क्वायर तो और बढ़ रहा है, तो ई और आर स्क्वायर के बीच में कैसा रिलेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इवन अगर कोई पूछे ई और आर के बीच में कैसा रिलेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर स्क्वायर होता है तो वेरिएशन और तेजी से आपके बढ़ने लगता है। यहां तक देख लीजिए कोई दिक्कत, गॉसस लॉ लगाया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लगाया, ई डी एस कॉस 0 आया, ई बाहर लिया, डी एस का इंटीग्रेशन हुआ। डी एस इंटीग्रेशन का मतलब जितने भी छोटे छोटे आपके एरिया आ रहे थे उन सबको हमने ऐड अप करा, और उसके बाद आपका ई की वैल्यू हमने निकाली, ई की वैल्यू निकालने के बाद क्यू की वैल्यू पुट करी, और फाइनल ई की वैल्यू जो आई वो आई सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कॉपी कर लीजिए इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे सरफेस पे निकालना हो, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑन द सरफेस में आपका ये जो पॉइंट पी है कहाँ आ जाएगा, इस सरफेस पे आ जाएगा, तो क्या इसका और इसका रेडियस बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो गॉसियन सरफेस भी तो यहीं बना रहे हो, और ये स्मॉल आर भी यहीं पे है, तो यानी कि स्मॉल आर और कैपिटल आर जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है वो दोनों इक्वल। इसको पुट कर दो इक्वेशन 2 पे, पुटिंग इन इक्वेशन 2 कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू कुछ भी कर दो आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 3 मान लो। तो ऑन द सरफेस आ गया ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंस सिग्मा अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है और इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा। देखो जैसे बाहर तो आपका आर बढ़ रहा था तो ई कम हो रहा था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आपका सिग्मा जो आपने शुरुआत में दे दिया, ऑब्वियसली उसकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू आपने दी है उसकी वजह से ई सरफेस पे आपका मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये आर पे डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, आप निकालते हैं इनसाइड, इनसाइड द इनसाइड कितना होगा। अच्छा, अगर सपोज ये आपकी सरफेस थी, इस फिगर को आपने आई होप सो देख लिया होगा, तो एक बार फिर बनाते हैं, ये आपका यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था इस स्फेरिकल सेल में या हॉलो स्फेयर में, और मुझे अंदर निकालना है इनसाइड, तो मुझे गॉसियन सरफेस भी कहाँ पर बनानी पड़ेगी, अंदर। अच्छा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाई है, ये कितना लिया था स्मॉल आर, ये कितना लिया था कैपिटल आर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर आपका कितना चार्ज है, इसके अंदर कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है, क्यों, क्योंकि चार्ज तो इसके बाहर है।
अगर चार्ज ही नहीं है तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, क्योंकि आपकी क्यू की वैल्यू क्या है, जीरो। तो अगर क्यू जीरो हो गया दिस इम्प्लाइज दैट ई इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, तो इसलिए ई भी क्या हो गया, जीरो। तो वट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड, जीरो ऑन द सर्फेस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड आर के साथ ये डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे वेरिएशन आप बनाओ किस किस के बीच में, ई और आर के बीच में, सपोज ये आपका ई है ये आपका आर है, तो व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन इट विल अकर। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपकी सरफेस कैसी होती है। ये आपका स्फेयर है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, यही है, मान लो इसका सेंटर ओ है, ये रेडियस हमने आर माना था, और इसके बाहर आपका गॉसन सरफेस जहां भी बनाई थी कैपिटल आर लिया था। अच्छा अब देखो अगर मैं इसको ओ मान रहा हूँ ग्राफ में, तो इसका मतलब मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, सेंटर पे, ये मैंने गॉसन सरफेस के लिए लिया है, यहाँ पे क्या होगा, आर इज इक्वल टू आर, यानी कि इस पॉइंट पे देखो जो गॉसन सरफेस अगर मैं इसी के ऊपर बनाऊँ तो कैपिटल आर जो गॉसन सरफेस का रेडियस होगा और इसका इक्वल ये, और इसके बाद आर ग्रेटर देन क्या होगा, आर, आर लेस देन आर, यानी कि ये वो पोर्शन है जो स्फेयर के अंदर लाई कर रहा है, इसके बाद हम स्फेयर से बाहर चले जा रहे हैं। आर लेस देन आर, अगर मैं गॉसन सरफेस यहाँ बनाऊँ कैपिटल आर वाली, तो इसका रेडियस तो स्मॉल आर से कम है ना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, जीरो, तो इसका मतलब अगर अंदर जीरो था तो ये सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर इज इक्वल टू आर ये वाला, तो यहाँ तक तो जीरो ही होगा, तो यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फिर उसके बाद सरफेस पे मैंने कहा मैक्सिमम होगा, ऑब्वियसली चार्ज सरफेस पे है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और उसके बाद आर और ई के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ से आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनना लगेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कन्फ्यूज मत होइएगा। मैंने बोला सरफेस में कैसा होगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा क्योंकि चार्ज सरफेस पे मैक्सिमम है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम, और जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, आपको वैसे भी पता है, तो इसीलिए सरफेस पे आपका मैक्सिमम इतना, और जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई की वैल्यू आपकी कम होगी, यानी कि कैसा रिलेशन है, इनवर्स। इसीलिए यहाँ पे हमने सरफेस पे आर इक्वल टू आर, ये सरफेस है, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है देखो ये सबसे ज़्यादा, और सरफेस के बाद, सरफेस का मतलब ये जो स्फेयर बनाया हमने यहाँ मैक्सिमम है, और इससे दूर जाएंगे तो आपकी कम होते जा रही है, तो आपका ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। इज इट क्लियर टू ऑल, समझ में आया।